मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी जो है हम हैं आरू वैली में। और कल रात काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और मैं तो उठ चुका हूँ। बच्चे और ज्योति अभी सो रहे हैं और जैसे उठेंगे तो फिर हम उनके पास भी जाएंगे। और तब तक आप देखिए पीछे का मेरा व्यू। यहाँ की सुबह ही अलग है, बिल्कुल एकदम फ्रेश सुबह है। ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। दोस्तों कल रात में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से सारा सामान मैंने उठा के टेंट के नीचे छुपा दिया था। अब वापस बारिश बंद हो चुकी है तो मैंने सारा सामान फिर से वापस निकाल लिया बाहर। हम चेयर, जो फोल्डिंग चेयर है, ये भी बाहर आ गई है। अब देखिए फटाफट से पानी मैं गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश होने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है। बिना गर्म पानी के मेरा पेट साफ ही नहीं हो सकता, तो फटाफट पानी पी लेते हैं। अभी सब सारे सो रहे हैं, तब तक मेरे पास टाइम है, अपना जो भी काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों बच्चे साथ उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुन्नू, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग कुहू। नींद होगी पूरी बेटा? कैसी नींद आई? अरे मेरा खरगोश सोया कि नहीं सोया अच्छे से? गुन्नू, ए गुन्नू, भू। और ज्योति कैसी नींद लग रहा है तुम्हें? ठंड बहुत थी, इस कंबल में काम चल गया ठीक ही था ना? चलो ठीक है। चाय में कुछ पीना है? चाय पीना ना, चाय बनाते हैं ठीक है। और सामने देखिए धूप आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा ठंडक कम हो जाएगी। दोस्तों ज्योति भी देखिए उठ चुकी है, मतलब बाहर आ चुकी है टेंट से। और बच्चों को अभी हमने जो है टेंट के अंदर ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 से भी नीचे है ठीक है। तो अभी जो है पहले सबसे पहले हम दूध गर्म करते हैं, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं तो उनको दूध देना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो मेरी छोटी वाली बेटी है गुन्नू, उसको तो सबसे पहले उठते ही दूध चाहिए। तो पहले हम दूध गर्म करते हैं, फिर जो बचा हुआ दूध होगा उसका हम चाय बनाएंगे। देखिए इस डोली के साथ दिक्कत क्या है, ये जो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो ठंड ज़्यादा है तो ठंड में क्या होता है कि तो अभी हमारे पास जितना भी दूध था हमने उसका जो है गर्म कर लिया है, मतलब गर्म करने के लिए हमने चढ़ा दिया है। तो पहले बच्चों को हम दूध दे देंगे और जो दूध बच जाएगा उसमें जो है अपने लिए हम चाय बना लेंगे। तो देखिए आप देखेंगे कि ये जो सेटअप है ना, पूरा टेंट हो गया या चेयर हो गई फोल्डिंग वाली, या जो हमने जो अभी सेटअप किया हुआ है यहाँ पर दूध चाय गर्म करने के लिए, और सामने जो व्यू है, तो आपको ये देखने के बाद ऐसा महसूस होगा ना कि मतलब यार कैंपिंग करने के लिए जो जो व्यू चाहिए आपको ना, कि भाई आप कुछ खाने पीने का बना रहे हो, सामने बहुत अच्छा व्यू हो आपके, नेचर हो, लैंडस्केप हो बहुत सुंदर, तो वैसा एकदम प्रॉपर सेटअप दिखता है यहाँ से। देखिए दिख रहा है हमें जो अभी, देखिए अब कल रात में बारिश होने की वजह से हमने सारा सामान उठा के समेटा हुआ था पूरा, उसको ढका था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या था कि भाई टेंट में इतनी जगह थी नहीं हमारे पास, टेंट में सिर्फ बेडिंग की ही जगह थी हमारे पास। तो जितना भी हमारे पास सामान है तो वो हमने जो है तिरपाल से ढक दिया था। और अभी देखिए गुन्नू भी उठ चुकी है और अब मेरे पास गुन्नू आ गई। देखिए तो गुन्नू को दोनों उठ चुके हैं अब तो, और फटाफट जो है तो दोस्तों देखिए ज्योति जो है भाभी की रसोई में। ज्योति क्या बना रहे हो आप? पोहा बन रहा है। कितने लोगों के लिए पोहा बना रही हो आप? बस सभी के लिए, जितने हमें। अच्छा तो पोहे के साथ और क्या मिलने वाला है हमें? पोहे के साथ मिलने वाला है। तो दोस्तों देखो ज्योति ने जो है अभी प्याज रेडी कर लिया है, साथ में आलू और जो है मूंगफली भी भून के अलग साइड कर ली है। अब प्याज को भूना जा रहा है। किचन बाहर नहीं लग पाया आज, हमारा किचन जो है बाहर नहीं लग पाया, तो हमने जो है अपने हमारे साथ में जो भैया हैं नेचर एक्सप्लोरर 2.0 उनकी रसोई का यूज़ कर रहे हैं हम, और वहाँ पर बना रहे हैं हम जो है गर्मा गर्म। देखिए कैंपिंग में यही होता है, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ठीक है, जिससे हर किसी का हौसला अफजाई हो और लोग अपना अपना जो है
कैंपिंग को बहुत अच्छी तरह से जो है इंजॉय कर सकें। दोस्तों ज्योति ने गर्मा गर्म पोहे रेडी कर लिए हैं और देखिए यहाँ पे सभी आ चुके हैं साथ में नाश्ता करने के लिए। तो अब नाश्ते का टाइम है और यहाँ से निकलने का भी टाइम है, क्योंकि अब जो है हम यहाँ से अपना सब कुछ पैकअप करके नाश्ता करने के बाद निकलेंगे दूध पत्री के लिए। तो आगे अब आपको दूध पत्री हम दिखाएंगे। दोस्तों अभी जो है हम अरू वैली पहलगाम से निकल चुके हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले जो ब्लॉग्स थे उनमें आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने वहाँ पे जो है एंजॉय किया, किस तरह से हमने जो है एक रिवर साइड के सामने जो है अपनी कैंपिंग करी। और चिनाब रिवर थी, चिनाब रिवर के बगल में हमारी कैंपिंग हमने सेट किया था और लगभग हम वहाँ पे दो दिन, वन नाइट और टू डेज वहाँ पे हम रहे हैं। वाकई में जो कश्मीर को बोलते हैं जन्नत, वो ऐसे ही नहीं बोलते, उसके पीछे वाकई में रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है हर आपको आधे घंटे में मौसम बदल जाएगा। कभी बारिश होने लगती है, कभी जो है बादल आ जाते हैं, कभी एकदम से ठंडक बढ़ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो मतलब अल्टीमेट है मौसम यहाँ का। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया और आगे जो है अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आगे जो हम जो जिस तरह की एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते तब तक।